दोस्तों फ्रेशर लोगों को जल्दी जॉब क्यों नहीं मिलता है? फ्रेशर उसे बोलते हैं दोस्तों कि जो लोग भी अपना कॉलेज पास करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा करते हैं या वो बीटेक करते हैं या मैकेनिकल सिविल कुछ भी से, अगर वो अपना कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं या इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या वो सर्वेयर बनना चाहते हैं, क्यूसी बनना चाहते हैं, कोई भी अगर आदमी है जो फ्रेशर रहता है, फ्रेशर उसे ही बोलते हैं जो नया नया पढ़ाई करके जस्ट निकला हुआ है पास आउट करके, तो उन लोगों को जल्दी जॉब क्यों नहीं मिलता है? और बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रेशर को जॉब देने से कतराते हैं, यानी नहीं चाहती है वो कि हम फ्रेशर वाले को हायर करें, क्योंकि कोई भी कंपनी का जो काम मिलता है तो वो चाहता है कि हमें एक्सपीरियंस वाले आदमी का जरूरत है कि जो मेरे साइड पे आए तो वो अपना काम आसानी से अपना कर सके, उसको सिखाने की जरूरत नहीं हो। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग फ्रेशर रहते हैं और वो लोग इधर उधर भटकते हैं जॉब के लिए कि भाई मुझे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, कोई भी कंपनी जॉब देने से कतराती है। दोस्तों इसमें रीजन क्या रहता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना कॉलेज पास कर चुके हैं, जो अपना इंजीनियरिंग का डिग्री उनके हाथ में है और इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कहीं भी जॉब नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप इंडिया के बात करें तो इंडिया में भी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जहाँ आप जाएंगे अगर आप, तो 10,000 से लेकर 20,000 के अंदर में भी आपको कोई भी बीटेक किया हुए बंदे को उसको जल्दी जॉब नहीं मिल पाता है। इसका रीजन यही रहता है दोस्तों कि जो लोग भी कॉलेज करके पास करते हैं तो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि भाई मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है, और कंपनी क्या सोचती है कि भाई इसको कुछ नहीं आता है। यही फर्क होता है। जो भी लोग होता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, मैंने देखा है कि उनके अंदर एक एटीट्यूड भर जाता है। मैं पूरे लोगों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर में एटीट्यूड भर जाता है। वो लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं एक इंजीनियर बन गया। बिल्कुल भाई, आप एक इंजीनियर बन गए, लेकिन आपकी जो पढ़ाई किए हैं और जो आप साइड पे जाएंगे, जो आप प्रैक्टिकली करेंगे, इसमें बहुत का फर्क आपको दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप साइड पे जाएंगे तो आपको साइड का पूरे मेन पावर जो होता है, मेन पावर बोलते हैं तो लेबर होता है, उसको आपको हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको क्लाइंट से बात करना पड़ता है। यहाँ तक तो मैंने दोस्तों बहुत ऐसे इंजीनियर को देखा अपने इंडिया में ही कि वो लोग इंजीनियरिंग अपना फाइनल कर चुके हैं, बहुत ऐसे इंजीनियर हैं, लेकिन उन लोगों को इंग्लिश भी बोलना नहीं आता है। तो आप खुद गेस कीजिए दोस्तों कि अगर आप गल्फ मुल्क में जाकर के अगर आपको जॉब करना है और आपको इंग्लिश नहीं आता और आपको अरबिक नहीं आता है, तो आप दूसरे देश के लोग से कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे बात करोगे? अगर आपका कोई भी सीनियर आदमी अगर वो अरबिक है, मान लिया वो अरबिक है, वो दो ही भाषा जानता है, या इंग्लिश जानता है या वो अरबिक जानता है, और आपको नहीं अरबिक बोलने आता है और ना ही इंग्लिश बोलने आता है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे उससे बात करेंगे, कैसे वो आपको काम देगा? या मान लीजिए आपका इंजीनियर जो है सीनियर, उसको आप छोड़िए, कोई भी क्लाइंट जो होता है या कंसल्टेंट होता है, कंसल्टेंट जब साइड पे आए चेक करने के लिए अपना काम को, तो आप उससे कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? ये होता है रीजन। दूसरी चीज की प्रैक्टिकली में और थ्योरिकल में बहुत का फर्क होता है। तो जब भी आप किसी भी साइट पे दोस्तों जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत तरह के आदमी मिलेंगे, बहुत तरह के इंसान मिलेंगे। आपका जो फोरमैन होगा, जो आपसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा, लेकिन आप उसके सामने एक इंजीनियर बनकर जा रहे हैं, तो आपसे वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, वो आपसे सवाल करेगा, आपसे कोई भी बात पूछेगा कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, ये सारी चीजें। लेकिन जब आपको काम ही नहीं मालूम है, आप प्रैक्टिकली काम ही नहीं किए हैं, तो कैसे आपको जॉब मिल जाएगा? तो दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा, कोई भी इंजीनियर हो या सेफ्टी ऑफिसर हो या कोई भी जो कोर्स करके अगर अरब मुल्क में या गल्फ मुल्क में आना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों को एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा आपको? आपको किसी भी कंपनी में इंडिया में ट्राई कीजिए कि आपको कहीं पर भी जॉब मिले। अगर जॉब मिल जाता है तो आप आसानी से वहाँ से कुछ गेन कर सकते हैं। पैसे पे मत जाना, पहले आपको एक्सपीरियंस लेना है और सीखना है, जा करके वहाँ पे देखना है कि भाई ये काम कैसे हो रहा है और इसको काम कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ता है, और कैसे इस काम अगर हो जाता है तो कैसे कंसल्टेंट को बुला करके उसको पास करा करके उसका अप्रूवल लेकर के फिर कंक्रीटिंग कराना है या कोई भी काम कराना है, तो खास करके इंजीनियर लोगों का है। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं तो सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर दोस्तों फाइनली मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपको एक जॉब मिलेगा। क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन मैं एक सेफ्टी ऑफिसर हूँ और लास्ट 7 साल से मैं गल्फ मुल्क में काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज की अगर आप एक सर्वेयर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों बहुत ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत ऐसे भी इंजीनियर होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, लैंड सर्वेयर होते हैं, क्यूसी होते हैं, कि उन लोगों का जब आप सीवी देखिएगा तो आपको लगेगा कि सीवी में कुछ है ही नहीं। सीवी भी आपको अपना बायोडाटा जो बनाने वाले हैं उसको भी प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। क्या
क्योंकि अगर आप किसी भी ऑफिस में या किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना सीवी भेज रहे हैं, तो जो भी लोग देखे, चाहे एचआर हो, चाहे आपके रिलेटेड कोई मैनेजर हो जो आपको जॉब देने वाला है, अगर वो देखे तो उसको लगे कि हाँ बंदे में कुछ जान है। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो अंदर से बहुत अच्छे क्वालिफाई रहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे रहते हैं, अच्छे खासा नॉलेज भी रहता है, लेकिन उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है सीवी की वजह से भी, क्योंकि आपको अपना सीवी में सुधार करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं दोस्तों कि जो लोग सोचते हैं कि भाई हमने तो अपना कॉलेज फाइनल कर लिया, हमने बीटेक कर लिया और हमने बहुत सारे कोर्स कर लिया, हमें अब डायरेक्ट इंडिया में काम नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट अब सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, गल्फ मुल्क में या कनाडा वगैरह कहीं पर भी जाकर ही जॉब करना है, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल आप ज़्यादा पैसे दोस्तों कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो थिंक है, सोचते हैं कि भाई मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, यानी आपके जॉब के रिलेटेड आप काम कर सकते थे, बहुत ही अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड आप कहीं से नॉलेज लीजिए कि अगर आप साइड में जा रहे हैं तो आपको कैसे काम कराना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे मैनेजर से बात करना है, आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि अगर आप गल्फ मुल्क में आते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिस देश से हैं उसी देश से वहां पे आपको आदमी मिलेगा। अपने इंडिया में से भी अगर आप केरला के हो जाएं या तमिलनाडु के हो जाएं, तो केरला और तमिलनाडु वाले लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती, वो लोग इंग्लिश बोलेंगे या तमिल बोलेंगे। अगर आप गल्फ मुल्क में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो अरबिक मिल जाएगा लोग, तो वो लोग आपसे बस अरबिक में बात करेंगे, हो सकता है कि समटाइम्स वो लोग इंग्लिश में बात करें। तो इंग्लिश आपको अपना सुधार करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है दोस्तों कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर देती है। अगर आपको नहीं मालूम है इंग्लिश बोलना, नहीं मालूम है अरबिक बोलना, तो आप खुद सोचिए दोस्त कि आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे काम करा सकते हैं, बहुत ऐसा प्रॉब्लम है दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वाकई में आप एक इंजीनियर हैं और वाकई में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब कैसे मिलेगा दोस्तों, इसके ऊपर एक हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एक मोटिवेशनल वीडियो और एक एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि अगर आप भी एक जॉब खोज रहे हैं तो आपको कैसे मिलेगा जॉब और क्या सही में फ्रेशर लोगों को जॉब मिल जाता है। बिल्कुल दोस्तों, फ्रेशर लोगों को भी जॉब मिलता है, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन रहता है और कैसे जॉब मिलता है और क्या वो डायरेक्टली जा करके एक इंजीनियर में बड़े पोस्ट पे, एक इंजीनियर का भी वैल्यू होता है यहाँ पे, अगर एक इंजीनियर पे आकर वो काम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ हम आपको स्पेशल वीडियो बना करके बता देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक फ्रेशर हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम डायरेक्टली सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन जाएंगे, वहाँ पे 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 रियाल दरहम में कमाएंगे, तो कैसे करना होगा आपको? तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना कॉलेज फाइनल किए हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है कि प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे काम कराया जाता है, कैसे मेन पावर को संभाला जाता है, कैसे एक इंजीनियर से बात किया जाता है, कैसे कंसल्टेंट क्लाइंट से मीटिंग को अटेंड किया जाता है, ये चीज़ शायद आप लोगों को नहीं मालूम है। जब तक ये सारी चीज़ आपको नहीं मालूम होगा दोस्तों, तब तक आप लोग नहीं बन सकते। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है, और स्पेशल आप सब लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप जिस पे वीडियो चाहते हैं कि आपका जो भी काम है, चाहे वो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर है, सर्वेयर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, फिटर है, फोरमैन है, जो भी है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपके ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको जॉब मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।